जयंत दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीटी इंस्ट्रक्टर त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, पूरे भारत के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए काफी मात्रा में वैकेंसी निकल चुकी है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, तो आप लोग फटाफट पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लीजिए। तो साथियों, इसका जो डेट है, सबसे पहले इसका डेट बात करता हूँ, 17/5/2022 को स्टार्ट हो चुके हैं और इसका लास्ट डेट 16/6/2022 अगला महीने, इसका मतलब अगले महीने 16 तारीख को इसका खत्म हो जाएगा डेट। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि लेट फॉर्म फिल करने से लास्ट में सर्वे डाउन हो जाते हैं, बाद में फॉर्म फिल नहीं होता। तो उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात करूंगा साथियों, 10+2 सिंपल होना चाहिए, डरने वाला कोई बात नहीं है, इसमें कोई हाई लेवल की क्वेश्चंस नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अगर आपका सपना है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल बनना, ये जो पोस्ट है वो क्लर्क की पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, आप नंबर 1 सिटी में नौकरी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा पोस्ट है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। साथियों, जो सबसे पहले एग्जाम होगा, इसमें जैसे आप लोगों ने SSGD का जो एग्जाम दिया था, सेम है, स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो, इसमें 125 नंबर की एग्जाम होगा। इसमें 25 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल होगा, कंप्यूटर बेस पे एग्जाम होगा, होगा तो दोनों कंप्यूटर बेस पे, लेकिन इसमें क्या है, आपको आना चाहिए पावर पॉइंट, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तीनों चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि जैसे इसमें जो एग्जाम होगा 25 नंबर का बिल्कुल फ्री का मार्क है, ठीक है, सब थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो ये तीन चीज आपको सीखनी है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आपकी हो गया आपका कंप्यूटर बेस पे 25 नंबर की एग्जाम। अब 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, इसमें GK, GS, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसमें जैसे SSGD का एग्जाम हो, सेम टू सेम कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है, प्रैक्टिस करनी है। ये जो वैकेंसी निकलने का जो डेट है, आप लोगों में बता चुका हूँ कब से स्टार्ट है, तो ये आप लोग फटाफट फॉर्म फिल करें। उसके बाद मैं बात करूँगा इसका फिजिकल क्या होगा और हाइट मेजरमेंट क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और वीडियो में अवश्य बने रहिए। तो साथियों, सबसे पहले बात करूंगा सर हाइट मेजरमेंट। साथियों, आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो या नॉर्थ ईस्ट से, ST SC है, तो आपको 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। अगर आप मेल है तो आपको ये छूट मिलेगा। अगर आप फीमेल है, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप ST SC है या हिल एरिया से बिलोंग करते हो, आपको 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। यह हो गया आपकी हाइट मेजरमेंट। उसके बाद बात करूंगा उसका फिजिकल क्या होगा टेस्ट। तो साथियों, मेल के लिए 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में पूरा करनी है, लॉन्ग जंप 12.5 फुट माननी है और हाई जंप 3.5 फुट माननी है। ये हो गए मेल के लिए। अब मैं बात करूंगा फीमेल के लिए। साथियों, फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग आपको 5 मिनट में पूरा करनी है, लॉन्ग जंप 9 फीट मारनी है, हाई जंप 3 फुट मारनी है, ये फीमेल के लिए। बस इतनी सी आपको टेस्ट लिया जाएगा, इतनी सी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो साथियों, ये था आपकी फिजिकल क्या क्या होगा, एग्जाम का बारे में बता दिया, स्क्रीन पे शो कर, आप देख सकते हो एग्जाम का क्या सिलेबस आएगा, ये शो कर रहा है। लेकिन साथियों, सबसे पहले आपको मेहनत क्या करना पड़ेगा, जो 25 नंबर वाला है वो आपको पूरा करना है। इससे आपको क्या फायदा होगा, 25 नंबर आपको जुट जाएगा, आपको आपका जो जब मेरिट बनेगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो मैं सिलेबस देख सकते हो आप शो कर रहे हैं, ये सिलेबस आपको पढ़नी है, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। साथियों, यही थी छोटा सा वीडियो, मैं पहले वीडियो बनाना था क्योंकि टाइम मिल नहीं पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये फॉर्म अभी भी फिल हो रहे हैं, तो आप लोग फटाफट जाके पहले फॉर्म फिल करें, डरने वाला कोई बात नहीं है, आप लोग मेहनत करोगी तो आपकी सपना पूरा होगा, ठीक है। कौन क्या बोल रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना, सबसे पहले आपको अपना जो भविष्य है वो पहले साकार करो। एक बार उम्र निकल गया, दोबारा ये उम्र नहीं मिलेगा, तो उम्र रहते ही आप लोग मेहनत करें। तो साथियों, यही था छोटा सा वीडियो, इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।